मध्य प्रदेश में कमला सरकार गिर गई है, इसके बाद कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको सुनाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या पहले कभी नहीं हुई। एनडी बीच में आ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश को और कलंकित होने से कैसे बचाएं, जो पूरे प्रदेश का देश भर में लोकतांत्रिक चेहरा बना, जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 30-30, 40-40 करोड़ रुपया विधायकों को खरीद फरोख्त का इस्तेमाल हुआ, जिसमें लॉयल्टी के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ, और जिसमें सत्ता लोलुपता के लिए, चापलूसी के लिए, सत्ता के हवस के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज ने सारी हदें लान दी। ऐसा एक करप्ट चेहरा, ऐसा एक भ्रष्ट चेहरा मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का बनाया। प्रियवत सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे बात करते हैं इनसे। सर, कहाँ चूक रही, क्या लग रहा है कहाँ चूक रहेगी सरकार की? चूक कुछ नहीं रही। प्रलोभन एक ऐसी चीज होती है, प्रलोभन जो कुछ लोगों के लिए हावी हो गया, स्वाभिमान के ऊपर प्रलोभन, वहाँ चूक हुई और कहाँ चूक। सर, लेकिन जिस तरीके से विधायकों की बात करें, ये बागी विधायकों छोड़ देंगे, पूर्व के विधायकों की बात करें, तो वो लगातार उस समय भी जो है सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे थे, मंत्री नहीं सुन रहे, ये बात लगातार मीडिया के सामने आई थी। अब देखते हैं नई सरकार बनने की, उसमें कौन किसकी सुनेगा, आगे का एक्शन क्या, जनता के बीच में जाएंगे। 24 उपचुनाव लड़ने, 24 उपचुनाव में जनता की, मध्य प्रदेश की जनता न्याय करेगी, तमाम कोशिश। तो जनता के बीच में जाएंगे और लगातार जिस तरीके से प्रियवत सिंह कह रहे हैं कि हमने विधायकों की पूरी सुनी है, हालांकि जिस तरीके से पूर्व में देखने को मिला था कि पूरे घटनाक्रम के पहले से ही विधायक जो है कांग्रेस के, वो अपने आप सरकार के ऊपर सवाल निशान लगा रहे थे और मंत्री के ऊपर सीधे तौर पर हमला करते हुए नजर आते थे कि मंत्री उनकी नहीं सुन रही है, जिसके वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने है और आज मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कैमरामैन आमिर के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। सर, कहां चूक हुई, क्या लग रहा है? कोई चूक नहीं है। भाजपा के षड्यंत्रकारी संगठन ने कांग्रेस पार्टी के साथ षड्यंत्र करके हमारे लोगों को धोखा देके, खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की राजनीति को कलंकित किया है। और आज हम, चूंकि कमलनाथ जी के जो हमारे साथी मित्र थे वो आज बहुमत में नहीं रहे, इसलिए उन्होंने राज्यपाल महोदय को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया। आगे क्या सर एक्शन जाएंगे आप, जो उपचुनाव आगे बीच जाएंगे, उनके कारनामे बताएंगे, भाजपा तो जनता के बीच में जाएंगे और कारनामे बताएंगे। हालांकि जिस तरीके से एक बड़ी चूक कांग्रेस सरकार की थी, जिस तरीके से इस्तीफा देना पड़ा सीएम कमलनाथ, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अपने जो विधायक थे उन पे उनका कहीं ना कहीं विश्वास नहीं जीत पाए, और जिस तरीके से कार्यशैली थी, तो कहीं ना कहीं जिनके विधायक थे उनके ही कार्यशैली के ऊपर एक सवाल निशान लगाते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन आमिर के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। कमलेश्वर पटेल हमारे साथ हैं, हम सीधे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है कहाँ चूक रही, ये दिन जो देखने को मिला? देखिए, चूक कहाँ रही, चूक कोई चूक नहीं रही। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार की बलि चढ़ाने का काम किया है, और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की आम जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो तरस जाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृ संस्था के भी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शुरू से षड्यंत्र रच रहे थे, लोकतंत्र की हत्या करने का काम तो लगातार कई राज्यों में उन्होंने किया है, और वही काम मध्य प्रदेश में भी करने का प्रयास किया, धन बल के आधार पे तोड़फोड़ करके, और आजकल तो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको भी प्रायोजित कर लेते हैं। तो जो भी हुआ है ये प्रदेश की आम जनता के हित में नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग मध्य प्रदेश की आम जनता के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहां जब भी जो भी अवसर आएगा प्रदेश की आम जनता के हित के लिए आवाज उठाएंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो लेकिन जिस तरीके से आप भी मंच से सीएम कमलनाथ ने ये कहा था कि हमने पूरा काम किया, विधायकों की हमने सुनी है, लेकिन अगर विधायकों की सुनी है तो फिर ये नौबत, ये दिन क्यों आए कि आखिर बगावत के सुर उनके निकले? हमने कहा ना, व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से कुछ लोग ऐसी संस्थाओं में, हमारी जैसे मातृ संस्था कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को क्या नहीं दिया, सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, चुनाव अभियान समिति से का अध्यक्ष भी बनाया था, कई बार सांसद बनाया, सोनिया जी राहुल जी से लेके पूरे जो गांधी परिवार है उनको परिवार का सदस्य मानते थे, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से इस तरह की कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है। धोखा ही है ये,
ये कोई अभी भी वो राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, सर्वोच्च कमेटियों में थे और बराबर उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया। पर उन्होंने और उनके जो तथाकथित हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के विचारधारा से जुड़े हुए थे और वो पहचान भी हो गई और वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं साथी हैं दोबारा चुन के आने नहीं देंगे और वहाँ की जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो अपनी मातृ संस्था के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं कभी माफ नहीं करेगी और वहाँ पे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। तो ये थे कमलेश्वर पटेल जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधायकों ने जिस तरीके से पार्टी से धक्काबाजी की जनता उनको माफ नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में उठ रहा है कि अगर विधायकों की वाकई जो है कमलनाथ ना सुन रहे होते तो आखिर क्यों ये बागी कदम उठाया गया और ज्योतिराज सिंधिया के ऊपर भी जिस तरीके से ये वार करते हुए नजर आ रहे थे, ज्योतिराज सिंधिया के साथ किस तरीके से क्यों हुआ कि आखिर उनको बीच में पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, ये अपने आप में एक सवाल अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।